हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमलता भूषण, मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम हेल्दी रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, पालक की पकौड़ी बनाएंगे हम। पालक बहुत ही हेल्दी होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है फ्रेंड्स, तो हमें पालक ज़रूर खाना चाहिए। तो आइए हम सामग्री देख लेते हैं। मैंने 1 कप बेसन लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने अजवाइन लिया है और 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच यूज़ करना है और नमक स्वाद के अनुसार यूज़ करना है। और मैंने 1 कप पानी लिया है जो हमें घोल बनाने के लिए चाहिए और कढ़ाई में मैंने तेल रखा है गर्म होने के लिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। और मैंने पालक लिया है, जो पालक बहुत ही अच्छे से धो के साफ करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हम डालेंगे बेसन और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, अजवाइन को थोड़ा सा हम क्रश कर लेंगे हाथ से इस तरीके से और अब इसको हम डाल देंगे। अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, अगर आपको पसंद नहीं हो तो ना डालें। इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से। और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अब डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इस तरीके से और इसका घोल बनाएंगे अच्छे से। थोड़ा सा हमें और डालना है पानी, बिल्कुल इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, बहुत अच्छे से घोल बनना चाहिए। देखिए बहुत अच्छे से घोल बना लिए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने घोल बना लिया है, इस तरीके से हमारा होना चाहिए घोल, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। तो देखिए बहुत अच्छा घोल बन गया है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पालक को इस तरीके से इसकी डंठल तोड़ लेंगे, ये डंठल है इसको हम निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी है, इतनी साइज़ की रखेंगे। फिर पालक को काट के भी बना सकते हैं आप, इस तरीके से बना सकते हैं। पालक हम डीप करेंगे हाथ से ऐसे, उसको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए हम डीप फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स। गैस पर मैंने तेल चढ़ा दिया है फ्रेंड्स गर्म होने के लिए। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम पकौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। हमने पालक को इस तरीके से डीप किया है और अब इसको हम डाल देंगे। एक साइड होने के बाद इसको हम पलट देंगे। तो देखिए भाई कितनी अच्छी फूली फूली से हमारी पकौड़ी तैयार हो रही है। कुछ क्रिस्पी होने देंगे, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ही हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है पकौड़ी। तो देखिए हमारी क्रिस्पी हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। तो कितनी अच्छी हमारी पकौड़ी बनी है पालक की, देखिए फ्रेंड्स इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सभी पकौड़ी बना लेंगे। देखिए साइड में इसको हम इस तरीके से निकालते जाएंगे, इसका तेल बिल्कुल निकाल के ही निकालना है, अच्छे से तेल निकल जाए फिर इसको निकालें। तो देखिए पहले मैंने सभी पकौड़ियाँ बना लिया है और इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए भाई मैंने सब पकौड़ियाँ बना लिए हैं, चलिए हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए भाई मैंने सर्व कर लिया, हमारे पालक की पकौड़ी बनके तैयार हो गई है, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बनी है। और आप भी इस तरीके से बनाइए और फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए, आप भी खाइए। और सुबह चाय के साथ इसे नाश्ते में ले सकते हैं या शाम को भी चाय के साथ आप ले सकते हैं नाश्ते में। मैंने टमाटर सॉस के साथ सर्व किया है, टमाटर की चटनी के साथ मैंने चाय के साथ सर्व किया है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरीके से चाय के साथ नाश्ते में बनाइए और खाइए, इंजॉय करिए फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करने से मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी फ्रेंड्स। शेयर करना ना भूलिएगा, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।